Friends, welcome to Adina Group of Institutions Online Courses Program. मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. उस टॉपिक का नाम है Principle of Working of RTD, Resistance Thermometer. अब Resistance Thermometer की वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ, इसकी वर्किंग क्या है. ये देखिए, Resistance Thermometer की मैं आपको वर्किंग समझाने जा रहा हूँ. देखिए वर्किंग, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली देखें. देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है जनरली द मेटलिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स वेरीज इन अ रिप्रोड्यूसेबल मैनर विद टेम्परेचर. और इसका जो फॉर्मूला आपको रहेगा, द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आर विद टेम्परेचर टी, टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में रहेगा. फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स इज गिवेन आर इक्वल टू आर जीरो, या आर नॉट भी पढ़ सकते हैं, आर इक्वल टू आर जीरो वन प्लस ए टी प्लस वी टी स्क्वायर. यहाँ पे जो टी है वो टेम्परेचर है केल्विन में, ए और बी जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और यहाँ पे आर जीरो की बात करेंगे तो आर जीरो रेजिस्टेंस है एट जीरो डिग्री सेल्सियस. तो अगर जीरो डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है उसको अपन आर जीरो बोल रहे हैं, जीरो डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है उसको अपन आर जीरो बोल रहे हैं. ये देखिए थोड़ा सा, जीरो डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है उसको अपन आर जीरो बोल रहे हैं ये, और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, आर इक्वल टू आर जीरो वन प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर आर रेजिस्टेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी. आर तो रेजिस्टेंस है, किसी भी टेम्परेचर पर आपको निकालना है, और आर जीरो रेजिस्टेंस है जो कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर है, ए और बी कॉन्स्टेंट है, और द रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर विच द एबव इक्वेशन इज वैलिड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ मेटल, केमिकल इनर्टनेस, इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच सॉलिड नॉट अंडरगो परमानेंट चेंज विद दिस रेंज. तो मेटलिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर कंस्ट्रक्टेड इन मैनी फॉर्म व्हाट द टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट यूजली इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल ऑफ फाइन वायर सस्पेंडेड इन स्ट्रेस फ्री मैनर, एंड द वायर इज रैप्ड अराउंड एन इंसुलेटिंग सपोर्ट कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्लास, सेरेमिक और माइका. द माउंटेड एलिमेंट इज देन प्रोवाइडेड विद द प्रोटेक्टिव एनक्लोजर एंड द एंड्स ऑफ अ कॉइल आर वेटेड टू स्टे. और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर मेजर करने के लिए इक्वेशन ये वाला, और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या टेम्परेचर मेजर करते हैं, हम जानते हैं कि हर मेटल का टेम्परेचर डिपेंड करता है, क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो इस कंडीशन में अगर हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में आर जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. यहाँ पे आर जो है वो टेम्परेचर आपको निकालना है एट एनी कंडीशन, और आर नॉट जो है वो आर जो है आर है वो रेजिस्टेंस है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको निकालना है. किसी भी टेम्परेचर पर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसको अपन आर बोलते हैं, जो कि अपन ने ओम्स लॉ में ही पढ़ा होगा, वी इक्वल टू आई आर. आर वहाँ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो को जो अपोज करे उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस है जीरो डिग्री सेल्सियस पर वन प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. यहाँ पर टी कैपिटल टी जो है वो कैपिटल टी टेम्परेचर है केल्विन में, बेटा कैपिटल टी टेम्परेचर है कैपिटल केल्विन में, और ए स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो कॉन्स्टेंट है. तो इस तरह से आर टी डी वर्क करता है. इस तरह से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और टेम्परेचर हम लोग फाइंड कर लेते हैं. तो ये वाला ये टॉपिक था, और ये उसका डायग्राम है. अगर अपन को डायग्राम बनाना तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज अपन ने पहले ही पढ़ा था. अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स भी एक नया टॉपिक है. प्लास्टिक्स वैसे सब अभी आपने पढ़ा भी होगा, प्लास्टिक दो तरह से होता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक. तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस ये, तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो सिंपल सा बार बार उसको शेप और साइज जिसका चेंज कर सकते हैं. हीट एंड प्रेशर आप अप्लाई करें तो उसका शेप और साइज चेंज कर लें, फिर से बना लें. लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अगर आपने एक बार शेप दे दिया तो फिर वो चेंज नहीं होता है, इसकी प्रॉपर्टी उसके शेप और साइज पर चेंज नहीं होती बार बार. जैसे एक बैकेलाइट, मेलामाइन, जिसके एग्जाम्पल हैं,
और फ्रेशमैन एग्जाम इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्लास्टिक की लाइट वेट होता है, वेट बहुत कम होता है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी गुड कंडक्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, केमिकली इनर्ट होता है और एडहेसिव होता है, एडहेसिव नेचर और ईजी वर्केबिलिटी होती है। प्लास्टिक्स इन मैनी केसेस आर नॉन इन्फ्लामेबल सेल्फ एक्सटिंग्विशर, नॉन इन्फ्लामेबल होता है, सेल्फ एक्सटिंग्विशर होता है, दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड गुड, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहती है वो अच्छी होती है, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो रहती है बहुत अच्छी होती है प्लास्टिक्स की, गुड शॉक एंड साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लास्टिक की शॉक और साउंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इसकी बात करें लो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन प्लास्टिक में कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट प्लास्टिक का कम होता है, हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, एब्रेजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, प्लास्टिक लाइक टेफ्लॉन आर हाईली रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, टेफ्लॉन के टेफ्लॉन अगर हम बात करें तो एब्रेजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है टेफ्लॉन का। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूकेंट, हाँ हर तरह का प्लास्टिक आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी मिल जाता है, ट्रांसलूकेंट प्लास्टिक भी मिल जाता है, ओपेक मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से दिखता है, ट्रांसपेरेंट लूकेंट में कुछ दिखता है लेकिन ओपेक में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है, तो तीनों तरह से आपको प्लास्टिक मिल जाएंगे। और टफनेस, सम प्लास्टिक कैन बी मेड सो टफ दैट आ बुलेट मे पीस इट विदाउट ब्रेकिंग, हाँ विदाउट ब्रेकिंग इसमें बुलेट भी पास हो जाएगी लेकिन ब्रेक नहीं होगा, कई तरह के ऐसे भी प्लास्टिक हैं मतलब उसके इतने भी टफ हो जाते हैं प्लास्टिक। और इसके बात करते हैं दे आर अवेलेबल इन वेरियस कलर एंड सेट्स और दे डू नॉट फेड ईजिली, कलर बहुत जल्दी नहीं जाता है, दे हैव एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश प्लास्टिक की बहुत अच्छी होती है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई इंसेक्ट माउथ फंगाई बर्मिन, ये किसी से अफेक्ट नहीं करते हैं, इंसेक्ट वगैरह से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्टिव कोटिंग और पेंट की इसमें पेंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी प्लास्टिक्स की।